बस एक सूखा नारियल काफ़ी है पुरानी से पुरानी भयंकर से भयंकर बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यदि हम एक नारियल का छोटा सा टुकड़ा रोज खाते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों के अलावा ये हमारे सौंदर्य के लिए, हमारी सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी है। चाहे हमारी त्वचा की बात करें, चाहे हमारे बालों की बात करें, या फिर हमारे अच्छे स्वास्थ्य की बात करें। वैसे गीला नारियल खाएं, सूखा नारियल खाएं, नारियल का पानी पिएं, कुछ भी आप कर सकते हैं। नारियल का पानी हम लोग रोज़ नहीं ला पाते हैं तो एक सूखा नारियल का गोला ज़रूर लेकर आएं और सूखे नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा ही आपको खाना है। यह है गीला नारियल। गीले नारियल को मार्केट से लाने के बाद हम 2 से 3 दिन तक ही फोड़ने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद इसमें से गीले नारियल या पानी वाले नारियल से स्मेल आने लगती है, तो उससे अच्छा तो है सूखा नारियल का एक गोला खरीद लाएँ। मैं भी सूखे नारियल के इस गोले को ग्रॉसरी शॉप से ही खरीद कर लेकर आई हूँ और एक छोटा टुकड़ा, आपको इतना बड़ा नारियल पूरा नहीं खाना है, एक छोटा टुकड़ा, ताकि आपको एक नारियल 15 दिन तक के काम आ सके। एक छोटा टुकड़ा आप खाएंगे ना, आपके दिमाग को तेज़ करेगा, मेमोरी को शार्प करता है। बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी एक छोटा टुकड़ा दें। किस किस तरीके से खा सकते हैं अभी बताती हूँ। तो मैं इसी तरह से सूखे नारियल का गोला हमेशा लाती हूँ, थोड़ी पतली पतली स्लाइस कर ली है मैंने, काट कर रखा है। कभी कभी जैसे दूध में उबालते हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो इस नारियल की 5-6 स्लाइस को, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी स्लाइस को दूध में उबाल कर बच्चों को दे सकते हैं। दूध में इसके सारे पोषक तत्व आ जाएंगे, साथ ही साथ ये सूखा नारियल दूध में अच्छी तरह से पक जाएगा और पक कर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। या फिर आप लोग कुछ नमकीन बनाते हैं, आप चाहें तो इसकी कुछ स्लाइस को घी में हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा रोस्ट कर लें, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको आप ऐसे ही बच्चों को नमक काली मिर्च लगा कर दे सकते हैं। या फिर जब भी आप लोग मखाने बनाते हैं, मखाने सेकते हैं, मैं हमेशा मखाने में कुछ मात्रा में सूखे नारियल की स्लाइस को ज़रूर डालती हूँ। या कभी कभी ऐसे ही छोटा सा नारियल का टुकड़ा और मुंह को मीठा करने थोड़ी सी मिश्री डाल लें, आप गुड़ डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। धागे वाली मिश्री जो होती है, इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही पौष्टिक होती है। धागे वाली मिश्री हमारे हाथ पैरों की जलन को कम करती है, हमें एनीमिक होने से बचाती है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है मिश्री का सेवन। तो धागे वाली मिश्री का आयुर्वेद में बहुत महत्व है, तो आप थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा और मिश्री का सेवन आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा यदि लेंगे ना, आपके शरीर में खून की कमी को दूर करेगा। नारियल में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, जिनके शरीर में खून की कमी है दोस्तों, उन्हें एक छोटा टुकड़ा नारियल का और गुड़ का ज़रूर खाना चाहिए। इतनी 4-5 पतली पतली स्लाइस ले लें, छोटा सा टुकड़ा गुड़ ले लें। गुड़ जो होता है भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। गुड़ जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे आँखों की रोशनी के लिए, हमारे दिमाग के लिए गुड़ का सेवन बहुत लाभकारी होता है। तो नारियल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत से लोग नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसका औषधि महत्व भी है, आयुर्वेदिक महत्व भी है और नारियल का धार्मिक महत्व भी है। सभी पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीफल देकर हमारे यहाँ जो छोटे होते हैं वो बड़ों का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दूध में आप नारियल को पका कर लें, आपकी मेमोरी शार्प होगी। बच्चे को ज़रूर दें, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। तो एक गिलास दूध में नारियल की स्लाइस डालकर आप इसे पका सकते हैं, या फिर आप स्लाइस में करें। आपको नारियल को चबाना पसंद नहीं है, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उन्हें नारियल को चबाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए आपको नारियल को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है, ताकि छोटे छोटे से बारीक बारीक से इसके टुकड़े हो जाएं। इसके बाद आप दूध में उबाल कर दे सकते हैं, आप ऐसे ही चबाने दे सकते हैं, या इसके अलावा आप इस ग्रेटेड कोकोनट को कोई नाश्ता बना रहे हैं, मान लो आपने कोई हलवा बनाया है उसमें डाल दें। आप कभी लड्डू बनाते हैं तो लड्डू में भी नारियल को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। याददाश्त को बढ़ाने के साथ ही साथ अल्जाइमर से निजात मिलती है। जिन्हें भूलने की बीमारी है दोस्तों, उन्हें भी नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। तो मैं जब भी दोस्तों आटे के लड्डू बनाती हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आटे को सेक कर रखा है और आटे का लड्डू बनाती हूँ, उसमें हमेशा मैं नारियल को इसी तरह से ग्रेट करके डाल देती हूँ। तो जब नारियल, ये गेहूं का आटा सिक गया, तब मैं नारियल को, यहाँ पर मैंने कम डाला है अभी आपको दिखाने, वैसे मैं इसमें एक कटोरी ग्रेटेड कोकोनट को अभी मिलाऊंगी।
तो इस तरह से आप किसी ना किसी चीज़ में नारियल का इस्तेमाल ज़रूर करें। सूखा खाएं, दूध के साथ खाएं, गुड़ के साथ खाएं, या लड्डू का जब मिक्सचर बनाते हैं तो लड्डू के मिक्सचर में डालें, या आप कुछ नमकीन मीठा कुछ बनाते हैं, नमकीन मखाने बनाते हैं, उसमें भी आप कोकोनट को ऐड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है नारियल का सेवन। जिन्हें दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है या जिन्हें कभी हार्ट अटैक का खतरा हुआ हो, उन्हें भी एक छोटा टुकड़ा नारियल का ज़रूर खाना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है दोस्तों, और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है नारियल और दूध का सेवन। एक गिलास गर्म दूध में एक दूध पीते जाएं और नारियल का एक छोटा टुकड़ा खा लें। शारीरिक दुर्बलता दूर होगी और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है दोस्तों ये इसका सेवन। और इसमें जो भरपूर मात्रा में सिलेनियम होता है नारियल में, वह फर्टिलिटी को बढ़ाता है। गठिया, अर्थराइटिस, हड्डियों के दर्द के लिए नारियल और दूध का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने से पुराना, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न हो, बेवजह ही थकावट लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, बिना काम के ही आप थकान महसूस करते हैं, कुछ दिन एक सूखा नारियल का गोला जरूर खाएं, छोटा टुकड़ा खाएं, और साथ में गुड़ ले लें या गुड़ वाला दूध भी पी सकते हैं आप। अब तो ठंड का मौसम आ रहा है तो गुड़ का सेवन ज़रूर करें। शक्कर से हमारे शरीर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। गर्म गर्म दूध में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालें और नारियल को चबा चबा कर खाएं, या नारियल के लड्डू खाएं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। नारियल में भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है, हृदय रोग के खतरे को कम करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, ये सारी परेशानियों को दूर करता है सूखे नारियल का सेवन। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है, हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है, बूस्ट करता है, तो हमारे दिल, दिमाग, हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ दिन नारियल का सेवन करेंगे, आपकी त्वचा पर चमक आएगी, आपके बालों का झड़ना बंद होगा, एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, सन की हानिकारक, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है हमें नारियल का सेवन, और साथ ही साथ दोस्तों हमें खूबसूरत भी बनाता है, हड्डियों के दर्द, ज्वाइंट पेन से राहत दिलाएगा, और साथ ही साथ कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की परेशानी हो, या इसी तरह का कोई कैंसर से संबंधित कोई बीमारी हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, नारियल का सेवन जरूर करें, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता है। कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारे स्किन में चमक लेकर आते हैं, जल्दी लंबे समय तक आपको झुर्रियां नहीं आएंगी, लंबे समय तक आप जमा बने रहेंगे यदि छोटे से टुकड़े नारियल का रोज़ सेवन करते हैं आप, तो आपके स्किन में चमक आएगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, लंबे समय तक आप जवां बने रहेंगे। आपकी ब्रेन के लिए अमृत है श्रीफल नारियल का सेवन, तो इसे रोज के डाइट में जरूर शामिल करें, खून की कमी दूर होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।